ना जो ये वीडियो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है जार बॉम्बा की डेडलीस्ट वेपन एवर टेस्टेड 1961 में यूएसएसआर जो आज के समय रशिया बन चुका है टूटकर इसने टेस्ट किया था जार बॉम्बा जो हिरोशिमा में गिराए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब से 1500 गुना ज्यादा ताकतवर है। मगर इस न्यूक्लियर बॉम्ब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बॉम्ब के जो मेन डिजाइनर थे मेन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट आंद्रेई साखरोव यही बाद में अपनी सरकार के मतलब यूएसएस सरकार के अगेंस्ट हो गए और ये कहा कि ये बॉम्ब गलत है ये मानवता के अगेंस्ट एक क्राइम है और इस टाइप के बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए। नाउ अपने ही देश के लिए बनाए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब की आलोचना करने के लिए यूएसए और वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज ने आंद्रेई साखरोव की काफी प्रशंसा करी और बाद में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1975 में। आज के समय क्वेश्चन ये आता है कि क्या आंद्रेई साखरोव ठीक थे, क्या इन दी एंड इन्होंने यहाँ पर जेन्युइनली मानवता के लिए बात उठाई है या ये यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ गए थे और अपने ही द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, शेयर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में।